हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बिना खाद की मिट्टी पौष्टिक मिट्टी कैसे तैयार करें। पौष्टिक मीन्स कि हाँ, जो कि जिससे पौधे एकदम हेल्दी ग्रो करें। देखिए, इनके पास मिट्टी पड़ी हुई है, तो पहले हम इसे खाली कर देंगे नीचे। एक ये देखिए, मैंने सारी मिट्टी नीचे खाली कर ली है। अब ये देखिए, मेरे पास थोड़ा किचन वेस्ट है। किचन वेस्ट में हमको लेना है जैसे छिलके। देखिए, मैंने लिया केले का छिलका। ये देखिए, तो केला ख़राब हो गया था, केले के छिलके ये। और चाय पत्ती, चाय पत्ती का आप देखिए कभी फेंके मत। चाय पत्ती को जैसे छान के हमें सीधे नहीं डालना है, उसमें हमारे जो कीड़े वाइट वाइट जो कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। आपको चाय पत्ती जैसे छान के उसको एक दो बार धो के, मतलब उसका चीनी निकाल के फिर उसे छान के तब ऐसे डाल देना है, फेंकना नहीं है चाय पत्ती को। अब इसमें भी केले के छिलके देखिए, गोभी वोभी के ऐसे हैं। और चावल पका हुआ खाना ऐसे कुछ हमने डालना नहीं है। तो ठीक है, देखिए ये खाली है पूरा। अब हम इसमें मिट्टी डाल देते हैं नीचे। ये देखिए मेरी मिट्टी में कुछ ये देखिए आप, आलू के छिलके कुछ दिख रहे हैं। ये पिछली बार जब मैंने मिट्टी तैयार की थी तो भी इस तरह से ही की थी। ठीक है, हम इसे हाफ भर लेते हैं। ओके, ये देखिए, अब इसमें देखिए काला काला जो है ना, ये पिछली बार भी मैंने ऐसी मिट्टी तैयार करी थी तो उसी से देखिए ये ऐसे ब्लैक सी खाद सी बन जाती है, जो पेड़ पौधे के लिए पौष्टिक होती है। ये देखिए ब्लैक ब्लैक सी कुछ आ रही है। चलिए आधा भर लेते हैं पहले इसमें। मम्मा, क्या कर रहे हो? हम देखो हम क्या कर रहे हैं। देखो मम्मा, ये कौन सी मिट्टी है? अब देखिए, हमने आधी से ऐसी मिट्टी इसमें भर ली। अब हम इसमें ये जो किचन वेस्ट है ये डालेंगे। ये देखिए, ये मेरा किचन वेस्ट बस 2 दिन का है, शाम की सब्जियों का और फ्रूट्स का। देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब इसे ऊपर मिट्टी से इसके फिल कर देना है इसमें। मम्मा, आपके पास ये तो ग्रो बैग मैंने ऐसे ही लिया हुआ है। आपके पास जो कट्टा हो या कुछ भी हो, आप उसमें ऐसे तैयार कर सकते हैं मिट्टी। ठीक है, अब इसे ऊपर तक भर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या काम हो रहा है, एक तरह हम मिट्टी बना रहे हैं और यहाँ अलग ही काम हो रहा है इन दोनों का। मम्मा, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। हाँ बेटा, अभी साफ करती हूँ। चलिए, जब तक ये अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको अभी लास्ट तक आप मेरी वीडियो जरूर देखना, लास्ट में हम कुछ अलग सा इसमें करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने गार्डन का नाम हमारा गार्डन इसलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ मेरा गार्डन नहीं है। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ और थोड़े बहुत से स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैं इसको अच्छा बनाना चाहती हूँ। तो हम सबका गार्डन है, तो प्लीज़ इसे एक बार आप वॉच करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो जल्दी जब तक मैं इसमें मिट्टी फिल करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखना, ये मेरा ही नहीं, आपका भी गार्डन है। ये देख, अभी रुक जाओ, ये देखिए पानी लेके आ गया है। तो हम ऐसे जैसे खुद करते हैं तो बच्चों को हम कुछ सिखा सकते हैं। जैसे मैं डेली पानी देती हूँ तो खुद पानी लेके आ गया। हो नो नो, बस पौधों को पानी देना उसे बहुत पसंद है। जस्ट ए मिनट बेटा, तो हमें बच्चों को भी सिखाना है, अच्छी चीज़ें सिखानी है उनको, क्योंकि बुरी चीज़ें आजकल बहुत बुरी चीज़ें बहुत जल्दी बच्चे पकड़ लेते हैं। और तो हमें उन्हें अच्छी चीज़ों में, अच्छी आदतों में लाना है। तो ये देखिए, अब हम इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है खाद क्या बनी है क्या नहीं। ये कम से कम 15 दिन में अपने आप बन के तैयार हो जाएगी। हमें इसके ऊपर जो बोना है या कुछ पौधा लगाना है हम इसमें लगा सकते हैं। नो 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 बेटा, बस इतना पानी इनफ है, उनमें दे दो थोड़ा सा। चलो ये वाले प्लांट्स को दो। हाँ, इधर इधर दे दो, इधर दे, इनको दे दो। ये अभी मेरा बस 5-6 मंथ के कुछ प्लांट है, कुछ थोड़े उससे पहले के हैं। अभी ये मैंने कुछ स्टार्ट किया हुआ है तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। इसमें से हम कुछ लगा सकते हैं इसमें। तो हम इसमें देखिए, ये तो गेंदे का पेड़ तो लगा सकते। देखिए हम, ये मैंने कुछ राई बोई थी, आप राई सरसों तो जानते होंगे, तो इनको ये अगर ऐसे ही रहें तो जल्दी ग्रो नहीं करते। तो इसमें
से बड़े बड़े पौधे हमने निकाल के हम उसमें लगा देते हैं। एक दो पेड़ इसमें भी है। तो पानी तो मेरी बेटी ने इसमें डाल ही दिया था, तो हम इसमें ही पेड़ लगा देते हैं। तो ये इतने अच्छे पेड़ बनके तैयार होंगे, बहुत अच्छे। इनको खाद भी मिलती रहेगी और ये तैयार हो जाएंगे अच्छे से। आ रही बेटा, आप हर एक पॉट में कुछ बोने से पहले, ऐसे कुछ लगाने से पहले मिट्टी तैयार कर सकते हैं इसी तरह। इस तरह का हम राई को लगाते हैं तो जल्दी ग्रोथ करती है। प्लीज़ अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जल्दी 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 सब्सक्राइब कर दीजिए।